चलिए जी, ऑलराइट, सो वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, वेलकम। होप ऑल ऑफ यू खांसी हो गई यार, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। दिस इज द लास्ट episode of our current affair journey from the year 2024. Obviously we'll not stop meeting here, of course, but here we started off from January. We'll cover current affairs till November. हाय स्नेहिता, बहुत बहुत स्वागत बेटा आप सभी का, वेलकम। राशि, शिबानी, कुमकुम, स्वप्निल, तनुष्का, इशिता, सानिया, हितेश, बिल्कुल बिल्कुल, मान्या, रंजना, स्वप्निल, गोपाल, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इशिता, जागृति, आलोक, कमलेश, काजल, तूबा, निशिता, रौनक, तरनप्रीत, सहजलीन, अभी भी काफी लोग रह गए हैं तो माफी चाहता हूं मैं आप सभी से जिनका नाम नहीं ले पाया। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। यू नो गाइज, सबसे पहले तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, यू नो द ड्रिल, फटाफट से प्रेस दैट लाइक बटन। भाई लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है हमें, जल्दी से फटाफट से प्रेस दैट लाइक बटन। बेटा ये क्रैश कोर्स में जब हमने स्टार्ट किया था तो आप सभी को पता है, वी हैड करंट अफेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू नवंबर। तो जैसा कि पहला सेशन जो हमारा था फर्स्ट, सॉरी, दैट्स वेयर वी कवर्ड जनवरी टू मार्च, राइट, करंट अफेयर्स। सेकेंड में हमने अप्रैल से जून किया, और फिर हमने जुलाई से सितंबर किया, और आज हम करने वाले हैं अक्टूबर से नवंबर। तो क्रैश कोर्स में ये हमारी करंट अफेयर्स की ये लास्ट क्लास है, राइट। इसके अलावा हाँ, बाकी सालिक सर और लेंगे ऑफ कोर्स, बट मेरी तरफ से इस कोर्स की ये लास्ट क्लास है, बिकॉज नवंबर तक के करंट अफेयर्स के हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले दुखद समाचार दे देते हैं, आप सभी को पता भी है इंडिया जो है नहीं जीत पाया वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया आधा क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर्स। वर्ल्ड कप की बात करें तो हाईएस्ट विकेट टेकर एक इंडियन है और हाईएस्ट रन स्कोरर भी एक इंडियन है। तो जल्दी से उन दोनों के नाम बता दीजिए टू स्टार्ट ऑफ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही जो लोग सोच रहे हैं ये मेरी आखिरी क्लास है, तो मैं बता दूं, देखो मैं फिर आने वाला हूं 25 नवंबर को, राइट। 25 नवंबर 4th ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट एनालिसिस विल बी कंडक्टेड एट 11 AM, राइट। सो ऑब्वियसली यू कैन सी दिस इज मी, थोड़ा सा अलग लग रहा हूं बट ये मैं ही हूं, ठीक है। तो मैं और मेरे साथ केडी सर, निवेदिता मैम, अल्पा मैम, अंकुर सर, हम सब होंगे। आप जरूर इस सेशन में भी हमारे साथ रहिएगा। गिल किसने बोला भाई, तू कमाल कर रहे हो यार। शामी तो सही बोला आपने, पर उनके साथ विराट कोहली, वेरी गुड। सो विराट कोहली इज हाईएस्ट रन स्कोरर, मोहम्मद शामी हाईएस्ट विकेट टेकर। चलिए तो शुरू करें दोस्तों हमारा खेला। आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, जल्दी से बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। और जो भी कंजूसी कर रहे हैं ना, ये जो लाइक नहीं कर रहे हैं, अभी तक 80 के लगभग लोग देख रहे हैं और अभी तक लाइक का बटन सिर्फ 37 जनों ने दबाया था, ओनली 37 लाइक्स। ऐसे कैसे हो सकता है यार, हाउ इज इट पॉसिबल। क्विकली प्रेस दैट लाइक बटन, बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। व्हाट इज द आंसर हियर? 1000 रुपीज पेंशन पर मंथ हैज बीन अप्रूव्ड बाय विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस स्टेट की गवर्नमेंट ने किया ये? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की के लिए स्पेसिफिकली ये किया है दोस्तों झारखंड ने। बिल्कुल सही कहा आपने। तीस्ता, वेलजान, स्वप्न, तूबा, वेलजान, महक, आलिया, मयंक, हेमंत, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। शिवानी, तितीश का, साक्षी, सानिया, वेलडन वेलडन गाइस। झारखंड एब्सोल्युटली द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, झारखंड गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ये सोशल सिक्योरिटी पेंशन, आप देख सकते हो, ऑफ ₹1000 पर मंथ फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ऑब्वियसली उनके वेलबींग के लिए, जो भी 18 साल से ज्यादा की एज है उन लोगों के लिए है ये। एंड हैव अ वोटर आईडी, समझ रहे हो चलिए ऑलराइट। सो वोटर आईडी होना भी जरूरी है भाई, वोटर आईडी नहीं है तो फिर फायदा क्या है तुम्हारे, है कि नहीं। चलिए ऑलराइट, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन, द G20 टेक्निकल वर्कशॉप ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर concluded in which of the following city? What is the right answer here? The right answer इट इज, यस इट इज हैदराबाद। तो हैदराबाद में दोस्तों ये टेक्निकल वर्कशॉप हुआ था क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। चाहे कोई भी क्लाइमेट हो, एग्रीकल्चर कैसे जो भी फार्मर्स हैं वो कैसे अपना क्रॉप बचा सकते हैं। तो उसके लिए एक 3-day वर्कशॉप कंडक्ट किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसका नाम डेयर है, डेयर DARE। इन्होंने ये कंडक्ट किया था वर्कशॉप, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शोबा करनलजे वॉज द पर्सन हु इनॉग्रेटेड द सेशन। ऑलराइट गाइस, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बताइए व्हाट इज द आंसर हियर। 1 Sun 1 World 1 Grid कॉन्फ्रेंस, बताइए कहां हुई। 1 World 1 Sun 1 Grid The right answer, it is the capital of India, it is न्यू दिल्ली। ये हुई दोस्तों सितंबर में। देखिए 1 Sun 1 World 1 Grid कॉन्फ्रेंस ओसोवॉग, राइट। दिस वाज कंडक्टेड बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका इंडिया जो है क्या है, इंडिया है इसका कर्ता धरता एवरीथिंग। एंड गुरुग्राम इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISA। ISA के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, अजय माथुर। ये मैं लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, अजय माथुर। ये हो गए इसके डायरेक्टर जनरल। ISA की बात कर रहे हैं हम, कंफ्यूज नहीं होने का। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाया 2015 में। और हेडक्वार्टर जो है इसका वो कहां पे है, तो इट इज देयर इन गुरुग्राम। वर्किंग ऑन सोलर एनर्जी, बिल्डिंग सोलर एनर्जी ऑफ कोर्स, ठीक है। फाउंडेड बाय फ्रांस एंड इंडिया। और फाउंडेड इन विच सिटी, पेरिस, ठीक है। ये कुछ ISA के बारे में। ऑलराइट, चलिए इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर कहां पे, किस सिटी में खुला, पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर। राइट आंसर इज बेंगलुरु। भाई जगह कहां बची बेंगलुरु में, इतनी ट्रैफिक, इतनी भीड़, इतनी सारी बिल्डिंग्स, कहां बचेगी, तो अंडरग्राउंड में, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, देयर इज अ पिक्चर हियर, राइट। सो द ट्रांसफार्मर वाज इनॉग्रेटेड बाय द स्टेट्स एनर्जी मिनिस्टर के जॉर्ज। इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर है ये, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो बेंगलुरु is the right answer. Do remember which of the following state government announced on Saturday or rather every Saturday to be a holiday for all schools in the state? The right answer by Nagaland. 2 दिन मिलने चाहिए ना छुट्टी, संडे को ही क्यों, राइट। सैटरडे एंड संडे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बच्चे की भी, लोगों की भी, सभी की ऑफ कोर्स, राइट। आपको बता दो UAE पहली कंट्री है जिसने 2.5 day वर्क वीक जो है वो स्टार्ट कर दिया है। मतलब 2.5 day ऑफ देना, 4.5 day वर्क वीक, यानी कि फ्राइडे को भी हाफ डे वो ऑफ दे रहे हैं। तो इस तरह से, ताकि एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाए। आप 7 दिन काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी वो नहीं रहेगी, पर अगर आप 4 दिन काम कर रहे हो पर पूरा मन लगा के काम कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली विल गो वे वे हाई। ऑलराइट, who among the following has been appointed as the member of international mediator panel of the Singapore International Mediation Center, SIMC? What is the right answer? Member of international mediator panel. Mediator is a person who is adjudicating a matter between 2 or more individuals. Here the right answer, we're talking about International Mediation Center, it is Justice N. V. Ramana, right. The former Chief Justice of India, Justice N. V. Raman, has been appointed as the member of the prestigious International Mediator Panel of Singapore. Very important, SIMC, right. Singapore International Mediation Center के ये पैनल में जुड़ गए हैं एज अ मीडिएटर। ऑलराइट, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विद द दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इज गिवन टू पर्सनालिटीज फ्रॉम द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंड द राइट आंसर इज वहीदा रहमान। नाउ आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव सीन हर इन वन मूवी और द अदर। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, चलिए पुरानी मूवीज की बात करें तो देखो कागज के फूल, प्यासा, चौधरी का चांद, साहेब बीवी और गुलाम, सो दीज वर ओल्ड मूवीज, गाइड एटसेट्रा, जो हमने नहीं देखी होगी। ये उम्मीद कर रहा हूं, शायद देखी भी हो। बट आपने रंग दे बसंती अगर मूवी देखी होगी तो उसमें आर माधवन दो जो पायलट होते हैं उनकी मदर का रोल इन्होंने प्ले किया। तो काफी सारे इस तरह से मदर वाले रोल में भी ये आ चुकी हैं। खैर सो इनको ये वेटरन एक्टर जो हैं इनको ये अवार्ड दिया गया 2023 दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना। कार्तिक बेटा इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए अपन को, प्लीज प्रोहिबिट, यू नो, मैं बिल्कुल आपको मना करूंगा, सख्त शब्दों में ऐसे शब्द मत यूज कीजिए बेटा, गंदी बात। ऑलराइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्स बैग्ड फर्स्ट प्राइज फॉर क्रिएशन ऑफ आभा आईडी टोकन्स? आभा आईडी टोकन्स, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हिच एम्स वी आर टॉकिंग अबाउट? वेरी गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर देन एम्स दिल्ली। वेरी गुड, सो एम्स दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एम्स दिल्ली ने पहला प्राइज जीता आभा आईडी टोकन्स बनाने के लिए। आभा का फुल फॉर्म जो सबसे पहले बताएगा वो एनालिस्ट बैंगलोर जरूर जाएगा। चलिए रेस शुरू करो, आभा का फुल फॉर्म बताइए यहां पे विद द क्वेश्चंस कॉन्टेक्स्ट, क्विकली शेयर आभा फुल फॉर्म। मीनवाइल ये क्वेश्चन आपके सामने, मैं तो ढूंढ रहा हूं कौन जा रहा है एनालिस्ट बैंगलोर, किसका आंसर सबसे पहले आएगा। अरे भाई गरिमा जा रही है भाई, बताइए गरिमा को। बाकी सब गूगल कर रहे हैं क्या अभी तक? गरिमा ने 2 बार लिख दिया कि सर नलसार भी भेज दो मेरे को साथ साथ, दोनों जगह, है ना, एनालिस्ट दिल्ली, एनालिस्ट बैंगलोर, एनएलयू दिल्ली एज वेल एज नलसार। बाकी सबके आंसर आने बाकी है यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, वेल डन वेल डन, शाबाश, अब आ रहे हैं आंसर, गुड। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन इन उत्तर प्रदेश? हिंडन एयरबेस में भारत ड्रोन शक्ति ये किसने किया दोस्तों? ये किया द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह ने। ड्रोन्स क्या केपेबल हैं? ऑब्वियसली हम सबको पता है दे आर केपेबल ऑफ सर्विलेंस, है ना, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, दे कैन गो एंड सी एनिमीज कहाँ हैं क्या नहीं है, हम अटैक भी कर सकते हैं उन पे, यू नो, वी कैन डिप्लॉय देम विद वेपन्स एज वेल। तो वो आराम से ड्रोन के जरिए किसी को भी किल भी कर सकते हो आप। हम सब ने ये सारी चीज़ें होती हुई भी देखी है, काफ़ी सारे वीडियोस आए थे अभी इसराइल के और इसके उससे पहले जो रशिया यूक्रेन वॉर थी उसमें भी, जहाँ पर ड्रोन्स वर यूज टू अटैक। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्प्ले करी, ये हमारे ड्रोन्स की क्या कैपेबिलिटी है, राइट। दे कैन do surveillance, they can fire, they can be used for agricultural purpose as well, they can do survey, they can do so many things. चलिए सॉरी, क्या है जी आंसर यहां पे? यार close to 100 people watching us live right now and यार 100 हमारे likes हुए ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और लाइक का बटन नहीं दबा रहे तो यार बहुत दुख की बात है। आप फटाफट से प्रेस दैट लाइक बटन, यार क्यों कंजूसी करनी, बताइए आप, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। द राइट आंसर हियर, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, इंदौर। तो इंदौर में हुआ दोस्तों ये स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव। इसमें देखिए 100 स्मार्ट सिटीज के जो भी अधिकारी थे वो सब एक साथ हुए और इंदौर को मिला बेस्ट स्मार्ट सिटी का भी अवार्ड। तो बेस्ट स्मार्ट सिटी का भी अवार्ड किसको मिला? इंदौर। ठीक है, सो डू रिमेंबर। चलिए, द इंडियन, ये देख सकते हो आप, ड्रेसेज टीम हैज वन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स आफ्टर हाउ मेनी? यार मेरा देखो गला इतने टाइम बाद खराब हुआ है दोस्तों। ये इक्विस्ट्रियन टीम है हमारी, ये देख सकते हो आप। अब मेरा गला खराब हुआ है इस टाइम पे एग्जाम के इतना पास में, ये अभी थोड़ा टाइम पहले फिर से हुआ था, 1 महीना पहले वापस से आ गया। तो भाई ये दुनिया भर की बीमारियां चल रही है, घर पे रहना, सेफ रहना, जो भी खाना पीना करो घर का करिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, भेलपूरी, गोलगप्पे, पिज्जा, एवरीथिंग आफ्टर द एग्जाम्स, है ना। चलिए, ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज ऑब्जर्विंग विजिलेंस अवेयरनेस वीक फ्रॉम विच डेट टू विच डेट? ये 41 ईयर्स वाला क्वेश्चन जो है ना, ये एशियन गेम्स जब हमने डिस्कस किया था वहां पे भी कवर किया था हमने। यस एब्सोल्युटली राइट, 30 अक्टूबर to 5th of November, दिस इज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस विजिलेंस अवेयरनेस वीक। विजिलेंस का क्या मतलब है, करप्शन कहीं ना हो इस पे ध्यान रखना, विजिलेंस कमीशन का ये ध्यान है। लास्ट क्लास सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, होमवर्क में मैंने बहुत सारे आपको दिए थे, उसमें मैंने सीवीसी भी आप लोगों से पूछा था। तो भाई सीवीसी बता क्यों नहीं रहे, जल्दी बताइए। सर एडमिट कार्ड कब आएगा, कल आएगा ना, कोई गारंटी नहीं है बेटा एडमिट कार्ड कल आएगा या नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन थिंकिंग कि अगर कल नहीं आया तो अरे यार क्या हो गया, आया क्यों नहीं। आएगा तो भी ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, परसों आ जाएगा, तरसों आ जाएगा, डो नॉट वरी अबाउट इट। एग्जाम तो सबके लिए ही है, तो सबका ही एडमिट कार्ड एक साथ ही आएगा, तो चिंता मत कीजिए ठीक है। सीबीसी कौन है यार, क्वेश्चन मार्क के साथ प्रवीण लिखा है यार आपने भी यार, फिर मतलब होमवर्क ही नहीं किया गरिमा लास्ट क्लास का। श्रीवास्तव जी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ताजा गूगल होके आ रहा है आंसर, पर चलिए कोई बात नहीं। मुझे बस यही दुख है कि आपको मैंने होमवर्क दिया था पिछली क्लास में और मैंने बोला था कि कमेंट्स में आपको आंसर करना है, तो आप में से अगर आप लोगों ने किया था तो फिर याद रहना चाहिए, किया था चल गुड। ऑलराइट, हु हैज रिलीज 3 बुक्स नेम्ड, ये देख सकते हो आप, पनिनी अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम, राष्ट्रलीला ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, एंड दीज वर रिटन बाय रामभद्राचार्य महाराज। हु हैज रिलीज्ड दीज बुक्स, The books have been released by नरेंद्र मोदी। आईसीसी वर्ल्ड कप पे क्लास होनी चाहिए, कहां जरूरत है बेटा, एक क्वेश्चन अगर है तो वहीं पे हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के रिलेटेड है, वहीं पे हम जो भी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेंगे। 2 तो शुरू में ही कर ली है ना, बाकी बाद में कर लेंगे। चल वर्ल्ड कप पे पैसे जाएगा क्या, नहीं आएगा बेटा ठीक है, नहीं आएगा। मैं मतलब अगर आना है तो एशियन गेम्स और इन सब पे ज़्यादा चांसेस है, बट देन अगेन भाई हमेशा क्लैट जो है सरप्राइजेस देता रहता है, क्या पता कर दे, पर नहीं करेगा। अब करेगा तो आप लोग तो छक्के पे छक्का मारना और क्या। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ब्रेकिंग द मोल्ड, ब्रेकिंग द मोल्ड, द राइट आंसर इज रघुराम राजन। नवीन यही सारे सेशन जो हमारे चल रहे हैं ना क्रैश कोर्स में, वो सारे देख डाल ठीक है। लास्ट के 1 महीने में तो यही है, रिवाइज करो चीज़ें, नई चीज़ें पढ़ने जाओगे तो जो पहले पढ़ा हुआ है वो भूल जाओगे। एंड इफ यू आर समवन हु इज जस्ट अबाउट स्टार्टिंग तो जस्ट स्टडी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो रघुराम राजन हो गए। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 फॉर फिलैंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। द राइट आंसर नीता अंबानी। देख सकते हो आप, ये चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन की, इनको मिला है ये प्रेस्टीजियस US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम अवार्ड ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तो USISPF का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रेजेंटेड टू नीता अंबानी। राइट, इन्होंने बहुत काम किया है दोस्तों, विमेन प्रीमियर लीग के लिए भी सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी हेल्प करती रहती है, स्पोर्ट्स ओलंपिक स्पोर्ट में मतलब क्रिकेट को ओलंपिक स्पोर्ट तक पहुंचाने में भी इन्होंने अपना रोल जो है वो प्ले किया, बिल्कुल तो काफ़ी सारा काम कर रही हैं। पार्थ जो फील आपको हो रहा है ना, ये एक्चुअली मैं जब 2003 में, मैं तो कितने साल का था, बहुत छोटा ही था, आपसे भी छोटा था मैं तो, तब मैं 2003 में जब मैंने वर्ल्ड कप देखा था तो मुझे यही फीलिंग आई थी ठीक है, जो आपको आज आ रही है। तो मैं समझ सकता हूँ आपका दुख दर्द, पर मैंने अपने जीवन में 2 बार देख लिया है यार, ये फाइनल में आए और हाथ को आए और मुँह ना लगा वाली बात। एंड दिस टाइम तो वी वर वेरी वेरी स्ट्रांग। येस, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। ऑलराइट, बिहार विल गेट 2nd टाइगर रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। राइट आंसर इज, ये सबने लाइन से कैमूर कहा और वो बिल्कुल सही जवाब है। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट वहां पे आने वाला है, कैमूर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये देख सकते हो आप, इज द लार्जेस्ट सैंक्चुरी इन द कैमूर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द विंध्यांचल hill ranges. All right. Who chaired the 31st meeting of the Northern Zonal Council held in Amritsar? Northern Zonal Council meeting को किसने chair किया? टैटू करा लो हाथ पे, ये किसने chair किया? अमित शाह. Right. The Home Minister of India is the right answer. So Amit Shah is the right answer. ठीक है जी, चलिए डन है. तो ये आप पिक्चर देख के पहचान जाएंगे इनको, है ना, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अरे नवीन, बेसिक टॉपिक का क्या मतलब होता है बेटा? जो मैंने बताया इससे छोटा बता सकता हूं मैं? मैंने आपको बोला 4 क्लासेस देखने के लिए, उसमें भी अगर आपको आलस आ रहा है तो भाई फिर तो आपको क्या ही बोलूं मैं. ठीक है, अगर 4 क्लासेस भी नहीं देख सकते अपन, फिर तो यार हारी मान लेनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, उससे सस्ता नहीं छूटोगे आप. ठीक है, तो जो मर्जी कर लो. स्टडी इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ये सब मैं बता चुका हूँ. लगातार यूट्यूब पे जितने भी क्विजेस वगैरह हो रहे हैं वो सब देखते रहो. दैट्स अबाउट इट यार. अगर लेट स्टार्ट किया तब भी क्या करना है वो भी बता दिया मैंने आपको. जो बच्चा हमारी क्लासेस में आता है उनको पता है लीक्ड टॉपिक्स कौन से हैं, बट वो हमने ओवर द ईयर बता रखे हैं उनको सारे के सारे, है ना, कि कौन से लीक्ड क्वेश्चन है, टॉपिक्स हैं. अक्सर हम यहाँ पर भी बताते हैं यूट्यूब में भी. तो आप लगातार आइए और मेलेडी खाते रहिए. चलिए, साउथ, ये देखिए आप, नॉलेज शेयरिंग सीरीज कॉन्फ्रेंस, बताइए किसने ऑर्गेनाइज की? व्हाट इज द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर दोस्तों. साउथ नॉलेज शेयरिंग सीरीज कॉन्फ्रेंस, जिसकी थीम थी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द इंडिया स्टोरी. प्लीज राइट इट डाउन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर तो आपने सही बताया. मैं बताऊं आपको मजे की बात हो, वर्ल्ड बैंक के ऑफिस बेयर्स का नाम देखना ज्यादा सही, सारे के सारे इंडियन ओरिजिन. राइट, सारे के सारे इंडियन ओरिजिन, वर्ल्ड बैंक. ठीक है, आईएमएफ में भी कुछ ऐसा ही हाल है. ऑलराइट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? Akashvani. The right answer is, it is गुजरात. बिल्कुल सही. तो गुजरात, जहां पे आप देख सकते हो ये स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया. ठीक है, काफी आसान. चलिए, ठीक है, तो डन है. Which state has achieved 100% open defecation free? मतलब खुले में शौच, nobody defecates in the open, right? Nobody does any form of toilet in the open, right? Plus coverage under the flagship Swachh Bharat Mission program. Which state has achieved this status? The status has been achieved by Uttar Pradesh. Swapnil, well done, good job, very good. Garima, Lady Thor, क्या बात है, वेल डन गरिमा. तितिष्का, ज्योति, कुमकुम, ईशिता, वेल डन एवरीवन. सो इस तरह से टॉयलेट्स बने हुए हैं वहाँ पे, जगह जगह पे, इवन इन स्लम एरियाज वहाँ पे इस तरह की टॉयलेट्स बना रखी है. रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह, इन सब जगहों पे, ताकि लोगों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहे, है ना. आप में से अगर कोई वीडियो देख रहा है और उसने अभी तक टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल नहीं किया, फटाफट से कर लेना. 55 टेस्ट्स आपको एक साथ मिलेंगे, और लास्ट के दिनों में तो जितने मॉक्स दें उतना बेहतर है. सो कंप्लीट ऑल द मॉक टेस्ट. इफ यू डू नॉट हैव एक्सेस टू दीज मॉक्स, यू जस्ट गो टू द ऐप एंड यू कैन डाउनलोड द एप्स फ्रॉम देयर, डाउनलोड द मॉक्स फ्रॉम देयर बाय जस्ट पेइंग नॉमिनल अमाउंट, राइट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए. थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों, हम धीरे चल रहे हैं. ऑलराइट, स्नेहिता आ जाएगा बेटा एडमिट कार्ड. डू नॉट वरी अबाउट एडमिट कार्ड्स, है ना, ऐसा चिंता मत करो एडमिट कार्ड कब आएगा सर. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, अभी जिसके बारे में बात करी ना हमने एडमिट कार्ड की, डोंट वरी अबाउट इट. चलिए, द राइट आंसर इज UNFPA, राइट, द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन fund, right? So the elderly population in India is likely to double by 2050 according to UN population fund. देखिए, डबल हो जाएगी भाई, रोको रोको. ठीक है, चलिए. ऑलराइट गाइस, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो और अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो मैं बता दूं आपको, काफी दुखद समाचार है हमारे पास कि अभी तक हमारे 100 लाइक्स भी नहीं हुए हैं और हम सिर्फ और सिर्फ 79 लाइक्स पे रुक गए हैं। सेंचुरी नहीं मार पा रहे यार, अब ऐसा कैसे हो सकता है बताओ यार। फटाफट से प्रेस दैट लाइक बटन यार, जो भी आया नया ताजा फटाफट से लाइक का बटन दबाइए दोस्तों। Which of the following bank appointed Manish Jain as the new country head of wholesale banking? होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड किसको बनाया गया? मनीष जैन को। हु इज ही, कहां का कंट्री हेड, किस चीज का? राइट आंसर किस बैंक का इज यस बैंक। यस बैंक इज द राइट आंसर। तो यस बैंक ने ये अनाउंस किया तो उसके बाद जो है इसकी जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो भी काफी फर्क आया था उसमें काफी। Alright, who has been appointed as the new chairman of Media Research Users Council India? Media Research Users Council India के हिसाब से के चेयरमैन जो है वो है शैलेश गुप्ता। यू कैन सी हियर शैलेश गुप्ता सो हैप्पी ऑन अचीविंग दिस पोजिशन। यू कैन सी हियर बिफोर दिस ही वाज द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ जागरण प्रकाशन लिमिटेड। ठीक है, चलिए। India's Roshibina Devi Naoram clinched the silver medal in the women 60 kg category. Belongs to which of the following sport? Roshibina Devi belongs to the sport of Wushu. तो Wushu खेलती हैं ये और सिल्वर मेडल लेकर आई एशियन गेम्स में, बहुत प्रेस्टिजियस बात इंडिया के लिए। तो बधाई हो आप सबको, है ना। चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? अब बताओ डेट बताओ भाई। एल्डरली पर्सन, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर 1 अक्टूबर। तो देख सकते हो आप 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एल्डर पर्सन, एल्डरली पर्सन या फिर ओल्डर पर्सन कह लो। दिस स्टार्टेड वे बैक इन द ईयर 1990। All right, which of the following state will form Ayush board in the state? Ayush board in the state. What is the right answer here? आयुष बोर्ड कौन लेकर आ रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, सी कह रहे हो सारे के सारे। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। आप सभी को पता है आयुष स्टैंड्स फॉर व्हाट? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड अदर्स, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल आयुष मिशन which promotes आयुष मेडिकल systems throughout the country, तो वहां से आयुष बोर्ड एक डेडिकेटेड होगा जहां पे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं आयुर्वेदा के, होम्योपैथी के, यूनानी के, सिद्धा के, उन होम्योपैथी के, इन सभी इंस्टीट्यूट्स को वो बोर्ड कैटर करेगा। ठीक है, और फिर वही डिलीवरी कराएगा, सब चीज़ों की प्रैक्टिस कराएगा, डिग्री देगा, सब चीज़ें, है ना। ऑलराइट, अच्छी बात है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड द कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स? एट द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स। बताइए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आप सबको पता है यूनियन मिनिस्टर साइंस। द राइट आंसर, आयुष मिनिस्टर कौन है? बिल्कुल सही कहा आपने, सोनोवाल, सरबानंद सोनोवाल। चलिए, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एब्सोल्युटली राइट, शाबाश। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ वीक लॉन्ग प्रोग्राम कॉल्ड संकल्प सप्ताह फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? बताइए क्या है जी आंसर यहां पे। फटाफट से जो पहले बताएगा बहुत बढ़िया, जो बाद में बताएगा वो भी बढ़िया, पर बताओ जरूर। द राइट आंसर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज वेरी गुड तितीश का, रौनक, गोपाल, अमन, वेल डन, पार्थ, सानिया, कुमकुम, एब्सोल्युटली राइट जॉर्ज। द राइट आंसर इज दिल्ली इंडीड। सो संकल्प सप्ताह इज दिस वीक लॉन्ग प्रोग्राम launched by Prime Minister Narendra Modi on the 7th of January. The program aims to improve governance at the block level to enhance the quality of life of citizens. चलिए बढ़ते हैं आगे। Which of the following app-based invoice financing loans platform? GST Sahay, सहायता आपने सुना होगा, तो to help someone. तो GST Sahay for MSMEs, micro, small and medium enterprises. तो उनके लिए ऐप बेस्ड इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय कौन लेकर आया? तो ये लेकर आया जी सिडबी, राइट, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो बैंक जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बना हुआ, वो ही लेकर आया ये प्रोग्राम। कितनी एप्ट बात है, देख लीजिए आप। चलिए, who has been appointed as a new chairman of Advertising Standards Council of India? अब यार ये तो हम सबने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द राइट आंसर? सौगता गुप्ता। आप सबने हमारी जो वीकली क्विज होते हैं मंडे को, वो आपने अटेंड करे होंगे। आज भी 4 बजे था, कम लोग आए थे बहुत। तो दोस्तों ये नहीं होना चाहिए, वो क्विजेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। वहां पे 23 एपिसोड्स हुए हमारे, एंड वी एवरी टाइम वी डू 40 to 50 क्वेश्चन ओवर देयर, समटाइम्स इवन 60। तो वो सब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वाले सेशंस भी देख लेना अगर टाइम मिले आप लोगों को, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ यूपीएससी? मेंबर अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो दिनेश दौसा। दिनेश दौसा हैज बीन अपॉइंटेड एज, ये देख सकते हो आप, मेंबर ऑफ यूपीएससी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना भाई। चेयरमैन कौन है यूपीएससी के? फटाफट से मुझे बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए यूपीएससी चेयरमैन का नाम। जो सबसे पहले बताएगा वो अब कहाँ जाए भेजें? अब नलसार भेज दें क्या? चलिए अब की बार नलसार भेजते हैं। नलसार, उसको नलसार। बेटा एवरी मंडे एट 4 PM वी कंडक्ट वीकली क्विज, तो वो आपको अटेंड करनी चाहिए। चलिए मनोज सोनी। चलिए गरिमाई जाएगी हर जगह। आप लोग सब आंसर नहीं कर रहे यार, तो धीरे धीरे कर रहे हो। वेरी गुड। अब आए कार्तिक और सितीशिका के, सानिया के, नम्रा के, ज्योति, स्वप्निल, सहराज, अनन्या, वेल डन अक्षत। ओके, नूर 3 बताइए किस कंट्री ने भेजा है भाई? इट्स एन इमेजिंग सैटेलाइट, स्पेस में जाएगी, इमेजेस क्लिक करेगी, है ना। द राइट आंसर इज ईरान। तो ईरान ने किया है दोस्तों ये। दिस विल बी 280 माइल्स फ्रॉम अर्थ सर्फिस। द सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड while you know Iran was having tensions with US military ने बोला कि तुम तो स्पाई करोगे, ये करोगे। ईरान ने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा ऐसा। यही वो बोल रहे हैं, हम तो पीस में पीस है, हम तो कुछ नहीं कर रहे भाई, तुम्हारी सोच ही ऐसी है ऐसा। तो ये सब चल रहा है। द 4th एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, बिगैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? क्या नाम है, क्या आंसर है बताइए? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? द राइट आंसर इज दिल्ली इंडीड, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों ये 4th इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। तो ये जो था किसने ऑर्गेनाइज किया? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। बस इतना बहुत है यहां पे। ऑलराइट, इंडिया एंड विच ऑफ द कंट्री हैज साइंड अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट? सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया इंडिया ने किस कंट्री के साथ? तो यहां पे द राइट आंसर इज अर्जेंटीना। देखो आपके पास एक ऑप्शन तो ऐसा था जो कंट्री है भी नहीं, ठीक है, लंदन, तो वहां से वो एलिमिनेट हो जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें जर्मनी की, तो हमारे कुछ विशेष रिश्ते नहीं है जर्मनी के साथ। डोंट शेयर वेरी गुड रिलेशंस, राइट, ठीक है, ओके। ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे द राइट आंसर, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हमने किसके साथ किया? तो ये हमने किया अर्जेंटीना के साथ। दिस एग्रीमेंट इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द लीगल राइट्स ऑफ प्रोफेशनल्स इन ईच अदर्स डोमेन्स। तो जैसे अर्जेंटीना वाले लोग यहाँ आ रहे हैं या इंडिया के लोग वहां जा रहे हैं, तो रिस्क फ्री इंटरनेशनली दे कैन मूव, प्रोफेशनल्स दे कैन वर्क इन बोथ द कंट्रीज, सोशल सिक्योरिटी रहे दोनों की और फायदा मिलता रहे दोनों कंट्रीज का। दैट्स द एम। चलिए, क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने से ऑब्वियसली बायलैटरल रिलेशंस बेहतर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही सबको सदमा लग रहा है यार, ऐसा क्यों? चलिए, ऑलराइट, 35th क्वेश्चन क्विकली, व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी बताइए क्या है जी आंसर? ऑलराइट, द राइट आंसर हियर विंटर एक्शन प्लान। कौन लेकर आएगा एयर पोल्यूशन के लिए? सबसे ज्यादा दुखी कौन है भाई यहाँ पे? दिल्ली तो है, देखो दिख रहा है कुछ पिक्चर, देखो आप, ये पूरा शहर है, ठीक है, यहां पूरा ये शहर ही है, दिख नहीं रहा है कोहरे इसकी वजह से, किसकी वजह से? स्मॉग की वजह से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम विंटर में, हर विंटर में होती है दिल्ली में। तो 15 पॉइंट का एक्शन प्लान लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। चलिए, खुले में आप बर्निंग नहीं कर सकते, डेफिकेशन तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, रेड सिग्नल आया तो भाई बंद कर दो, इस तरह के पॉइंट्स हैं उसमें। ऑलराइट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, जिसने वहां पे शिमला में, आपको पता है वहां पे लेह लद्दाख में भी रोड्स बनाई ऊपर फौजियों के लिए। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर, सोर्सेज है भाई हमारे नीतीश का। चलिए, मुंबई और दिल्ली में कंपटीशन चल रहा है सर इस मामले में। आर्टिफिशियल रेन करवा दी, वो जरूरी है, आर्टिफिशियल रेन जरूरी है। रेन होगी तो क्या है, जो भी स्मॉग है वो डेफिनेटली सेटल डाउन होगा ही होगा, तो कंपैरेटिवली उससे कोई वो इलाज लॉन्ग टर्म ऐसा कोई नहीं है कि फिक्स हो जाएगा सब चीज़ें, बट हाँ वो जो हवा में है वो नीचे ज़मीन पे आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो फायदा मिलना ही है। ऑलराइट, रघु श्रीनिवासन is the right answer here. Raghu Shrinivasan is absolutely the right answer. So here you can see the picture of Raghu Shrinivasan. All right, what is the name of the mascot of ICC Cricket World Cup? भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैस्कट का नाम बताइए, और जो भी ये वीडियो देख रहा है और लाइक नहीं किया उसका भी नाम बताना मुझे, ठीक है। चलिए, what is the right answer? भाई नहीं किया लाइक तो कर दो ना यार, क्यों कंजूसी क्यों है भाई। चलिए, ट्रॉफी दे दी हमने, इतने अच्छे रिलेशन हैं क्यों अमित। चलिए, ऑलराइट, आ जाएगी बेटा खुशी, डोंट वरी। द राइट आंसर इज, इट इज ब्लेज एंड टोंक का, ब्लेज एंड टोंक, ये देख सकते हैं आप, ये है जी वर्ल्ड कप के मैस्कट्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडिया इज वन गोल्ड मेडल इन मेन स्क्वॉश टीम, और किसको हराया हमने फाइनल में? जो टीम बहुत घमंड कर रही थी, जो टीम इंटरव्यूज दे रही थी कि हमने स्क्वॉश में इंडिया को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब तो देखो आगे क्या होता है, हम तो और भी हराएंगे इनको फाइनल में, और क्या हुआ, खुद हार गए, लीड करते करते हार गए। तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा आपको घाटा करता है, नुकसान करता है। सो लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, डोंट इम्प्लीमेंट द सेम लर्निंग्स। हाँ, चलिए सर दोनों आईडी से कर दिया है, अब जोधपुर एनएलयू का वरदान दे दो। अरे तथास्तु विजयी बाबा। चलिए, धोनी होना आसान है क्या? नहीं है भाई, ट्रॉफी के ऊपर। सही कह रहे हो। चलिए, ऑलराइट, नेक्स्ट, द विमेन्स टीम ऑफ संजना बथुला, कार्तिका जगदीश्वरन, हीरो साधु एंड आराथी कस्तूरी राजा ब्रॉन्ज मेडल जीते एशियन गेम्स में। ये क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी पूछ रहे हैं आपसे, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। राइट आंसर, रोलर स्केटिंग, रोलर स्केटिंग में जीते ये। रोलर स्केटिंग वाला क्वेश्चन वहां पे हमने नहीं कवर किया था, सो यहाँ पे कवर कर लिया। एशियन गेम्स का डेडिकेटेड सेशन है दोस्तों, अगर किसी ने नहीं देखा हुआ प्लीज डू चेक दैट आउट। ओके, विच एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज कंक्लूडेड इन सिंगापुर? मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई, दोनों कंट्रीज की नेवी पार्टिसिपेट किया, 30th एडिशन है ये, 30th एडिशन है ये, इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी की बीच की एक्सरसाइजेस का, ठीक है। सितंबर में ये कंडक्ट हुआ, दैट्स अबाउट इट। हमारी जो मिसाइल पावर है, नेवल मिसाइल पावर, वो सब हमने दिखाई, इट वाज ऑल एट द डिस्प्ले। ऑलराइट, बढ़िया जी, अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए मुझे क्या है जी जवाब यहाँ पे, व्हाट इज द राइट आंसर हियर? The right answer, World Animal Welfare Day, 4th of October, काफ़ी आसान। बढ़ते हैं, इसके एक और चीज़ लिख दीजिएगा, थीम ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, दिस इज द थीम। कितना आसान है यार, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, राइम भी हो रहा है यार, कितना आसान कर दिया आपके लिए। देखिए, ये थीम है जी वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे की, जो 4th अक्टूबर को आता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन इन विच सिटी? पर्सन स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए ये बनाया है, स्पेशली डेडिकेटेड हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर वेयर दे कैन एक्सेल इन स्पोर्ट्स। द राइट आंसर इज ग्वालियर, ग्वालियर इज द राइट आंसर। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये इनॉग्रेट किया गया है, फर्स्ट हाईटेक सेंटर है कंट्री का, तो जरूरी है ऑब्वियसली यू नो टू हेल्प दिव्यांगजन इन यू नो गेटिंग सक्सेस इन वेरियस फील्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, ही इज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो मंथ स्पेसिफिक है तो ज़्यादा इसमें आप लोड मत लीजिए। इंडिया अनवेल्ड द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर आउटसाइड इंडिया इन मैरीलैंड, नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों उस तरह के क्वेश्चन जैसा अभी पिछले आया कि भाई सितंबर में क्या था या फिर आगे प्लेयर ऑफ द मंथ क्या है, तो यार ज़्यादा जोर मत दीजिएगा अपने दिमाग पे और ज़्यादा दुख भी मत मनाइएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कि इस तरह की सारी माइन्यूट चीज़ें आप याद रखें, राइट। जीके में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएँ जो हमें पता हो, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा 99% नहीं हो सकता, ठीक है, 99.9% नहीं हो सकता। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं, बिकॉज जीके में तो कुछ भी आ सकता है ना यार। अगर एग्जामिनर का मन हुआ तो वो पूछ सकते हैं आपसे, यू नो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पूछ सकते हैं हमसे, है ना, मंगल पांडे के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीथिंग दे कैन आस्क अस, दे कैन आस्क अस अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, कुछ भी। तो इस वजह से इट्स ऑलवेज बेस्ट टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वी कैन लीव देम एंड वी कैन मूव अहेड, है ना। अगर जीके में अगर नहीं स्कोर कर पाए तो दूसरे सेक्शंस हैं, दूसरे सेक्शंस में नहीं कर पाए तो जीके है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जीके टफ आया तो पूरा पेपर टफ होगा, या जीके के बाद मान लीजिए आपने लीगल किया वो भी टफ आ गया तो अब आगे भी टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हर सेक्शन इंडिपेंडेंट है। यूजुअली क्या होता है कि दो बहुत टफ आते हैं सेक्शंस और दो एवरेज से होते हैं और एक सुपर ईजी आता है, तो ये यूजुअली रहता है। तो अब ये उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चलती है, कभी ये कभी वो सेक्शन, तो ये चलता रहता है। All right, so B.R. Ambedkar here is absolutely the right answer. चलिए बढ़ते हैं आगे। Which country has launched its latest remote sensing satellite? ये बताइए। Yaogan 3304 into space। क्या बात है दोस्तों, बताइए, सही जवाब दे दीजिए, मजा आ जाएगा। Calculated guesses are working. Very good. चलिए, the right answer is China. Indeed, नाम से पता चल रहा है ना कि भाई इन चारों में से ही एक होना है। लैग कैसे है बेटा, मैं तो दिख रहा हूं। All right, so China is the right answer. काफी आसान। ओके, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भाई हरि कुमार तो आपके हेड हो गए नेवी के, और डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तरुण सोबती। तरुण सोबती इज द वाइस एड, इज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, इज द वाइस एडमिरल। ऑल राइट, नेक्स्ट, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ UIDAI? UIDAI इज द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आधार कार्ड, माई आधार कार्ड, एवरीवन्स आधार कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द राइट आंसर इट इज अमित अग्रवाल। इनका टेन्योर 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 1 more year इज द हेड ऑफ UIDAI। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु विल बी अवॉर्डेड, ये देखिए आप, द शास्त्र रामानुजम प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स। रामानुजम हमारे मैथ्स के ब्रिलियंट मैथमेटिशियन थे, विजर्ड थे। क्या है जी ना राइट आंसर यहां पे? It is C. Ruishang Zhang is the right answer. मैथमेटिक्स में इनकी कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करते हुए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है जी। चलिए, शास्त्र रामानुजम प्राइज। ऑल राइट, नेक्स्ट, जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स विद द थ्रो ऑफ हाउ मेनी मीटर्स? क्या भाई, क्या रहा उनका मीटर का, बताइए। इतना क्लोजली कंटेस्टेड ऑप्शन है, 88.88, 88.89, अरे बाप रे। सो इन दोनों में से एक होना है, इतना पास है। द राइट आंसर, कितना आसान याद रखने के लिए। नीरज चोपड़ा जी भी ध्यान रखते हैं आप लोगों का, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे बच्चों का। 88.88 मीटर्स एकदम आसान कर दिया आपके लिए कि आप जो है बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम आपको बिल्कुल ना आए, है ना। याद 88 तो आराम से याद रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द 4th स्टेट टू इंप्लीमेंट एन ई कैबिनेट सिस्टम इन द स्टेट? ई कैबिनेट कौन लेकर आया भाई? राइट आंसर इट इज त्रिपुरा। तो त्रिपुरा लेकर आया दोस्तों, 4था स्टेट बन गया आफ्टर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। चौथा स्टेट है ई कैबिनेट सिस्टम लेकर आ गए। इससे क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर है जो स्टेट गवर्नमेंट को मीटिंग्स जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो मीटिंग्स होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली करने में हेल्प कर देता है। तो ये एनआईसी जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी। तो ये आप देख सकते हो उत्तराखंड से उन्होंने हेल्प ली थी इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ऑल राइट दोस्तों, वी आर एट 95 लाइक्स, 50 क्वेश्चंस डन, 95 लाइक्स। भाई जो भी आप में से 95 पे हमें नहीं देखना चाहता, भाई फटाफट से लाइक का बटन दबाओ यार। 95 पे आउट हो जाऊंगा, सोचो मैं गया, जब 96 क्वेश्चंस पे जाऊं कैसा लगेगा मुझे? अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। चलिए जल्दी से प्रेस दैट लाइक बटन गाइस, क्विकली लेट्स रीच 100 लाइक्स फटाफट से। ऑलराइट चलिए लेट्स मूव ऑन। अगर आप टेस्ट सीरीज अभी तक अगर आपने नहीं ली दोस्तों, प्लीज ले लीजिएगा। 55 मॉक टेस्ट हैं और इन मॉक टेस्ट में क्लैट स्पेसिफिक, एलिट स्पेसिफिक और बाकी एग्जाम्स भी, एमएसईटी, जामिया, सब मॉक्स कवर होंगे, तो मौका मत गंवाइए। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड द अबुआ आवास योजना? अबुआ आवास योजना, द राइट आंसर इज Jharkhand. Jharkhand is the right answer. So आवास here means home, to build homes. तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये तो मीम है दोस्तों, ये असली नहीं है, हाँ बस आपको बताने के लिए ऐसे लिखा हुआ है। अबुआ आवास योजना 15,000 करोड़ लगेंगे टू बिल्ड होम्स फॉर द नीडी इन द नेक्स्ट 2 years. Okay, TOT model is associated with which of the following field? TOT model. TOT क्या बात है जी, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को भाई सेंचुरी के लिए। ठीक है, वेल डन वेल डन, मैनी कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट जॉब। द राइट आंसर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीओटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भाई, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। टोल करो जो, जैसे भाई टोल अगर आपने बनाया है, आपने रोड बनाई है, तो ऑब्वियसली आपका फर्ज, आपका हक है, आप टोल कलेक्ट करो। टोल करो, ऑपरेट मतलब जब टोल कलेक्ट कर रहे हो उसके बाद उसको ऑपरेट भी करो, और ऑपरेट कर दिया, पैसा बना लिया, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दो भाई। ठीक है, सरकार को ट्रांसफर कर दो जब आपने पैसा बना दिया है, ताकि अब और फिर नया कुछ बनाओ। तो ये है जी टीओटी मॉडल, हाईवे सेक्टर में गजब चलता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक जायंट पार्टनर्ड विद Amazon वेब सर्विसेज टू लॉन्च जनरेशन एआई फोकस्ड, जेन एआई फोकस्ड इनोवेशन लैब इन इंडिया? अरे पार्थ, कई बार क्या होता है लोग उत्साह में 2 बार लाइक कर देते हैं, तो वो लाइक जो पहले वाला है वो भी वापस चला जाता है, तो हो जाता है गलती से कभी, कोई नहीं। द राइट आंसर हियर इज बी, IBM. IBM इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, सो वेल डन, गुड जॉब। चलिए, सो IBM एंड Amazon वेब सर्विसेज हैव लॉन्च्ड दिस in Bengaluru. All right, which of the following tennis player bagged the Paris Masters title? ये रैंक नंबर 1 है, सबसे ज्यादा टाइटल्स इनके पास है ग्रैंड स्लैम के मेंस में। The right answer, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच is the right answer. पेरिस मास्टर्स के विनर है मेंस सिंगल्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नासा's क्यूरियोसिटी रोवर वॉज लॉन्च टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट? दोस्तों अब आप बताओ, ऐसा कोई अपन ने डिवाइस अभी बनाया है क्या जो प्लूटो पहुंच जाए? ऑफ कोर्स नॉट। सैटर्न कहाँ पहुंच जाएंगे यार, वो रिंग कहाँ कैसे क्रॉस करेंगे, आइडिया ही नहीं है हमें। नेपट्यून, इतनी दूर दूर कहाँ पहुंच सकते हैं? इतना आसान क्वेश्चन है, इतने आसान ऑप्शंस दे दिए कि आसानी से ए, सी और बी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। द ओनली वायबल ऑप्शन हियर इज मार्स, दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, सो वेरी इजीली एलिमिनेटेड ऑल द ऑप्शंस, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए 56th वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट। द राइट आंसर इट इज लंदन। और अब तो प्लूटो प्लैनेट भी नहीं है, आप सभी को पता होगा, हम उसको प्लैनेट कंसिडर भी नहीं करते, सोलर सिस्टम में तो हम मानते ही नहीं है उसको, हम उसको ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं, DWARF, ड्वार्फ प्लैनेट, है ना, कि मतलब नाम के लिए प्लैनेट है, चलो तुम भी खुश रह लो, मान लिया, है ना। चलिए इटली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन manufactures the light combat aircraft Tejas which has demand worldwide. तो ये एक छोटी एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो बहुत आसानी से मैन्यूवर कर सकती है, कम इसको फ्यूल चाहिए कंपैरेटिवली क्योंकि साइज छोटी है और बहुत अच्छी तेज मूव बहुत अच्छी तरह से कर सकती है एंड इट इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग बहुत सारे वेपन्स, ठीक है, फुली लोडेड. ये HAL ने डेवलप किया है दोस्तों, राइट. सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ डेवलप्ड दिस और ये हमारी MiG-21 जो है जो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है उसको रिप्लेस कर देगी और ये इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है क्योंकि लाइटेस्ट है इन द क्लास और बहुत सुपर आप कह सकते हो सुपर डुपर फास्ट ये इसकी स्पीड भी है. तो ये बढ़िया है, हमारे लिए फ़ायदा है, फ्यूचर में हम इसको बेचेंगे भी, बहुत पैसा भी कमाएंगे. पूसा 44 बिलोंग्स टू विच क्रॉप वेराइटी? बताओ भाई. पूसा भाई क्या राइस होता है क्या यार, ज्वार है या बार्ले है या वीट है? इट इज पूसा 44 इज अ क्रॉप वेराइटी ऑफ राइस. तो ये राइस की कैटेगरी है. आपने देखा होगा जब भी आप डी मार्ट जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, वेर एवर यू गो टू अ सुपर मॉल, तो वहाँ पे आपने देखा होगा चावल के अलग अलग साइजेस आपको मिलते हैं, है ना? तो वही है. ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज वन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी? अब सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के बारे में पूछ लिया, आप सब वर्ल्ड कप पूछ रहे थे, अब ये बता दो मुझे आप, वर्ल्ड कप का तो सबको पता है, इसका किसको पता है? सैयद मुश्ताक अली T20 इज द एपिक्स T20 टूर्नामेंट इन इंडिया. राइट आंसर इज पंजाब. अभी रिसेंटली हुआ ये, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले. पंजाब इज द विनर. तो पंजाब वन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी. चलिए, ऑलराइट, ठीक है जी, डन है. हाँ, तो पंजाब के काफी सारे स्टार खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया. ऑलराइट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एथलीट टू विन द फैशन आइकन अवार्ड बाय काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका? भाई ऐसा एथलीट है जो फैशन आइकन बन गए हैं, काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका, हम सब उनके फैन हैं, है ना? क्या नाम है उनका भाई? द राइट आंसर सेरेना विलियम्स. है कि नहीं, फैन है कि नहीं है? चलिए भाई, सेरेना विलियम्स द मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम विनर्स, अगर हम बात करें टेनिस में मेल फीमेल दोनों मिला लो, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स उनके नाम है, ठीक है? तो सेरेना विलियम्स. ऑलराइट, इसके बाद ये तो यार पहले से हरा होके आया है. Who has become the batsman to score the fastest double century in one day cricket world cup history? The right answer is Glenn Maxwell. भाई क्या गजब की बैटिंग करी, 200 रन बनाए इन्होंने और बनाए तो अफगानिस्तान के खिलाफ, बट तब बनाए जब टीम 92 for 7 थी, राइट? तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बैटिंग बाय ग्लेन मैक्सवेल, कमाल ही कर दिया था इन्होंने. अब सर को लगा सानिया नेहवाल होगी, नहीं भाई, सानिया नेहवाल नहीं, मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम विनर्स हैं सेरेना विलियम्स के नाम पे, ठीक है? तो सेरेना विलियम्स ही है, ठीक है? भाई आप लोगों को थोड़ा सा बियॉन्ड अदर थिंग्स भी देखना चाहिए यार, ओवरऑल पर्सनैलिटी, राइट? शी इज एब्सोल्युटली अ लेजेंड सेरेना विलियम्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है, टेनिस में. खैर, अपना अपना वो है, स्पोर्ट है. चलिए, अब ये अगर हम देख रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल को, तो ये भी देखिए आप, इनकी अगर हम बात करें, इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, तो वर्ल्ड कप में काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली विनर तो इंपॉर्टेंट है ही है. कौन है विनर? ऑस्ट्रेलिया विनर है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली. हाईएस्ट रन स्कोरर या हाईएस्ट विकेट टेकर, चलिए पहले हाईएस्ट से शुरू कर लेते हैं. हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? मोहम्मद शामी, ठीक है. वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ हुआ? अहमदाबाद में. सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है दुनिया का? अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, राइट. एंड मोस्ट रन्स विराट कोहली. आज तक क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसने बनाई है? विराट कोहली, 50 ओडीआई सेंचुरीज हैं. गॉन पास्ट द ग्रेट मैन हिमसेल्फ सचिन तेंदुलकर, उनके पास्ट चले गए. और क्या बताइए आप. तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए. मोहम्मद शामी बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर इन इंडियन क्रिकेट टू क्लेम 50 विकेट्स इन वन वनडे वर्ल्ड कप, ठीक है। मतलब वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में आज तक जितने भी आपने वर्ल्ड कप एडिशंस खेले हों, किसी भी इंडियन फास्ट बॉलर ने या स्पिनर ने 50 विकेट नहीं लिए, मोहम्मद शामी ने 50 विकेट्स ले लिए। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोस्तों, है ना। चलिए सोचिए, विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन्स, रोहित शर्मा सेकेंड बेस्ट, फिर भी नहीं जीत पाया यार। चलिए क्या, कोई बात नहीं। ऑलराइट अब है जी अनाउंसमेंट की बारी। तो 25 नवंबर को होने वाला है 4th ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट का एनालिसिस, 11 बजे होगा ये। डू नॉट मिस दिस डेट, याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, यू हैव टू बी मैंडेटरीली प्रेजेंट। मॉक टेस्ट के बारे में कई बार जिक्र कर चुका हूं, अगर नहीं लिया सब्सक्राइब कर लीजिए। 55 मॉक टेस्ट हैं कवरिंग ऑल दी एग्जाम्स, राइट। इसके साथ ही सैंपल पेपर के हमने सारे डिस्कशंस कर रखे हैं, तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए हैं हमारे चैनल पे आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लो, और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो किसका इंतजार है, जल्दी से फटाफट से प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन ऑल्सो, राइट। आने वाले हफ्ते में ये देख सकते हो आप, ये सारी क्लासेस हैं आपके लिए शेड्यूल्ड। 21 से लेकर 24 नवंबर की हमने आपके साथ क्लासेस शेयर कर रखी है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ठीक है जी। चलिए ऑलराइट, इसके साथ ही यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू कैन फॉलो ऑन ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स, द डिटेल्स आर देयर ऑन योर स्क्रीन। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिएगा, वहां पे भी लिंक्स हैं। अब वक्त है कुछ क्वेश्चंस का, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं आपसे जल्दी से। सॉरी, जल्दी से मुझे बताइए अगर आप लोगों ने ये 3 चीजें कर रखी है या नहीं, राइट। 3 थिंग्स अगर आप लोगों ने ये कर रखी है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं पर मैं देखता हूं अक्सर बच्चे नहीं करते। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर्स, क्या हमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम पता है क्या, राइट, कैबिनेट मिनिस्टर्स। सेकेंड इज अपॉइंटमेंट्स इन लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, ये सेकंड हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट्स इन लास्ट 12 मंथ, जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं इंपॉर्टेंट की अपॉइंटमेंट्स वो। और थर्ड है ऑबिट्रीज, यानी कि इंपॉर्टेंट डेथ्स, डेथ्स विच आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जाम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मुझे बतानी है। ये 3 चीजें अगर आपने कर रखी है तो आपको मुझे बताने हैं 5-5-5 इंपॉर्टेंट, कम से कम, जितने ज्यादा बताओगे आपकी इच्छा है, पर 5, 5 and 5 इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो, ठीक है। अगर आपने कर रखा है तो बताइए, नहीं कर रखा तो रिसर्च कीजिए और फिर बताइए। 5-5-5 बताना आपको, और इस तरह से क्या होगा, अच्छी बात कि अगर कभी भी आपको रिवाइज भी करना होगा तो सोचिए आप कमेंट्स में जाओगे और सारा आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स रिवाइज हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स रिवाइज हो जाएंगे, और इंपॉर्टेंट डेथ्स भी रिवाइज हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमें करनी है, ठीक है। हितेश वी हैव ऑलरेडी डन इट बेटा, पर आपने शायद मिस कर दिया होगा, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा हमारे चैनल पे, देयर इज अ डेडिकेटेड सेशन ऑन द सेम, है ना। बिल्कुल, पार्थ ने देखो देख रखा है वो सेशन। चलिए सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। काफी मजा आया आप सबके साथ एज यूजुअल। We'll meet again in the next session. तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ध्यान। Thank you so much guys. Bye bye. Take care. Everyone watching on the app as well. Bye bye guys. We'll meet again in the next session. Take care. भाई जीके में पैसेज पढ़ना जरूरी नहीं है, ओनली इफ द पेपर सो रिक्वायर्स और द क्वेश्चन सो रिक्वायर्स। ऑलराइट आदित्य।